नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, ये कुछ हमारे सोशल लिंक हैं जिससे आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, और अगर आप चाहो तो क्लासेस और नोट्स इंस्टा मोजे पर जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों प्लीज़, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी में आपको सारे विषयों के वीडियोस मिल जाते हैं, हमारे वीडियोस भी आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ के सेकंड पोर्शन, जो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन फ्रीडम मूवमेंट, पढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर तक हमने 1885 से 1907, जो कि सूरत सेशन, मतलब 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ और सूरत जब कांग्रेस दो भागों में बट गई, तब तक हमने जो उसका जो इफेक्ट है या फिर उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, छत्तीसगढ़ का इन्वॉल्वमेंट, उसमें वो हमने पढ़ा है। एक एक के लगभग नाम वगैरह सब हम लोग ने पढ़े हैं। अब आज का जो सेशन होगा उसमें हम लोग 1907 के आगे बढ़ेंगे और जितना हद तक बढ़ सकते हैं उतना हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, वो है 1908 से, ठीक है। 1907 में जो सूरत सेशन स्प्लिट हुआ था वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी दिखा था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग अलग बढ़ गए थे। और अब हम लोग 1908 में देखते हैं, ठीक है। जैसा 1908 है कि अभी तक जो स्वदेशी आंदोलन था वो चल रहा था, और 1905 से जो बंगाल डिवीजन से स्टार्ट हुआ था ये लगभग अभी चल रहा था, लेकिन ये अब खत्म हो जाता है 1908 तक। क्यों? क्योंकि यहां पे तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, जो इनके मेन प्रोपोनेंट थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो बाल गंगाधर गंगाधर तिलक वॉज अरेस्टेड, ठीक है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको 6 साल की जेल हो जाती है, ठीक है, 6 साल की जेल। और इस टाइम पे एक्चुअली ये अपने जो इनका एक न्यूज़पेपर आता था मराठा केसरी, उसमें वो कुछ आर्टिकल पब्लिश करते थे, तो ये ब्रिटिशर्स को लगा कि ये मतलब जो हमारे इंडिया के नेशनलिज्म के ये एक प्रोपोनेंट है, तो इनको गिरफ्तार किया जाए। तो किसी प्रकार से किसी केस में इनको गिरफ्तार करना चाहते थे और उन्होंने कर डाला 1908 में, वो भी 6 साल के। और इनका जो अखबार था वो था मराठा केसरी, मराठा केसरी। अब ये तो एक इंडियन हिस्ट्री की बात है, तो हम छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनसे हमारे यहाँ पे भी एक इंस्पायर हुए थे। आप 1900 में मैं एक इंसान का नाम बताया था, वो छत्तीसगढ़ मित्र नाम का अखबार पब्लिश किया करते थे, वो मंथली न्यूज़पेपर था, पेंड्रा रोड से पब्लिश होता था, वो नेशनलिज्म और बुद्धिज्म के लिए उसको अवेयरनेस के लिए फैलाया गया था, और उस शख्स का नाम है माधवराव सप्रे। तो माधवराव सप्रे भी इनसे काफी इंस्पायर थे, और इन्हीं का जो मराठा केसरी था ये मराठी लैंग्वेज में पब्लिश होता था, तो उसका हिंदी वर्जन भी इन्होंने निकाला था। तो माधवराव सप्रे स्टार्टेड पब्लिशिंग हिंद केसरी, ठीक है, उनका जो हिंदी वर्जन था वो ये पब्लिश करते थे, हिंद केसरी। अब ये क्यों इतने लाइमलाइट में आया, ठीक है, तो इसमें इन्होंने 3 आर्टिकल पब्लिश किए जो कि बहुत खतरनाक थे ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कौन कौन थे? तो एक है आपका उपाय टिकाऊ नहीं है, उपाय टिकाऊ नहीं है। दूसरा अगर अपन देखें तो ये है देश की दुर्दशा, देश की दुर्दशा। और तीसरा है बम गोले का रहस्य, बम गोले का रहस्य। ये 3 आर्टिकल बहुत ज्यादा उस समय लाइमलाइट में थे और ब्रिटिशर्स के तो नाक में दम हो गया था। तो इसी प्रकार अगर वो बाल गंगाधर तिलक जैसे इंसान को वो जेल में भर सकते हैं, तो माधवराव सप्रे तो उनके लिए फिर भी बाल गंगाधर तिलक से कम थे। तो माधवराव सप्रे को भी इन्होंने इस आर्टिकल वगैरह के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद, और उनको एक रिबेलियन डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, रिबेलियन विद्रोही डिक्लेयर कर दिया गया।
फिर बाद में इनके जो दोस्त थे वामन राव लाखे और इनकी फैमिली का प्रेशर आया कि आप उनसे जाके माफी मांग लो ब्रिटिशर से, और जबकि वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे कि मैं अड़े रहूं और बाल गंगाधर तिलक के रास्ते पे चलूं, लेकिन वामन राव लाखे और उनकी फैमिली के प्रेशर में आके उन्होंने एक सॉरी नाम लेटर भेजा और फाइनली ब्रिटिशर्स ने उनको छोड़ दिया और ये चीजें बंद हो गई। ठीक है, तो 1908 की ये कहानी थी, इसमें सिर्फ आपको माधवराव सप्रे की हिंद केसरी को याद रखना है जो कि उपाय टिकाव नहीं है, देश की दुर्दशा और बम गोले का रहस्य। अब हम लोग इसके बाद 1909 पे आते हैं। ठीक है, 1909 भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। हालांकि इस ये छत्तीसगढ़ से ऐसा रिलेशन नहीं है, लेकिन मतलब इसका जो रिफॉर्म था वो पूरे इंडिया में लागू होना था, तो कहीं ना कहीं रिलेशन है भी, लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बस बता दिया कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है। लेकिन छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को क्या देखना है, उसमें है सरस्वती लाइब्रेरी के बारे में, इसमें देखना है। तो 1909 में एक सरस्वती लाइब्रेरी बनाई गई, सरस्वती लाइब्रेरी, और ये बनाया गया था इन राजनंदगांव। ठीक है, आरएनजी लिख लेता हूं, वो है राजनंदगांव। अब राजनंदगांव में एक जो एकदम खतरनाक इंसान थे वो ही इनको बनाया गया, और वो है बाय ठाकुर प्यारे लाल। ठाकुर प्यारे लाल, अभी तक इनका नाम जिक्र आया नहीं था, ये फर्स्ट में आ रहा है, तो इनके बारे में बता देता हूँ। ठाकुर प्यारे लाल के नाम से आज भी कॉपरेटिव के लिए अवार्ड दिया जाता है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। बाद में ठाकुर प्यारे लाल बहुत बार आएंगे, मतलब पूरे लेबर मूवमेंट जो हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है वो ठाकुर प्यारे लाल के लीडरशिप में हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत मतलब, और बाद में जब 1948 का इंडियन यूनियन से मर्जर होता है तब भी ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो ये 1908 और 1909 की कहानी थी। अब हम लोग यहां से बढ़ते हैं आगे, इसके बाद 1910 आता है, फिर 11 में क्या बोलते हैं वो जॉर्ज फाइव आते हैं इंडिया पे, और इस समय जो बंगाल डिवीजन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। इसी टाइम पे एक बम गिराने का भी कांड होता है, ठीक है, राज बिहारी बोस वाला। उसके बाद फिर अब आते हैं नेक्स्ट, और डायरेक्ट हम लोग चलते हैं 1914 वाला। 1914 में क्या हुआ था, होम रूल मूवमेंट। एक्चुअली अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड चलते हैं तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गया था, अब उनको 6 साल की जेल हुई थी, तो 1908 से 6 साल होता है 1914। तो इस टाइम पे 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से वापस आते हैं। अब अभी भी ये रहता है कि इस देश में मतलब ब्रिटिश का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता ही जाता है, तो कुछ ना कोई मूवमेंट चलाना था जो फ्रीडम के लिए। अब उस समय जो कांग्रेस गरम और नरम दल अलग अलग बटी हुई थी, वो फिर बाद में जब तिलक कोशिश करते हैं कि वो अंदर घुस पाए कांग्रेस में फिर से होकर पाए, और उनका मदद एनी बेसेंट भी करती है। और इसी टाइम पे फिर 1916 में फाइनली जब ये गरम दल और नरम दल, लखनऊ सेशन बोला जाता है इसको, लखनऊ पैक भी बोला जाता है, इस समय इन लोगों का मर्जर हो जाता है। ठीक है, एसी मजूमदार इसके सेशन के हेड रहते हैं। तो हम लोग आते हैं 1914 में जब होम रूल मूवमेंट चालू होता है पूरे देश में। अब ये ऐसा मूवमेंट था कि स्वराज्य मतलब होम रूल, हम अपना रूल करना चाहते हैं, और ये एक्चुअली आयरलैंड में हो चुका था, आयरलैंड में ये कॉन्सेप्ट आ चुका था कि होम रूल मूवमेंट, और वहां पे की जो एनी बेसेंट थी वो आयरलैंड की थी, तो वहां का जो कॉन्सेप्ट वो यहां इंप्लीमेंट करना चाहती थी। तो फिर ये टोटल और कांग्रेस वाले भी एग्री कर गए, तो होम रूल मूवमेंट एक्चुअली चालू हुआ, और ये दो गुटों में बढ़ गया था, एक था आपका तिलक का होम रूल और एक था एनी बेसेंट का होम रूल। ठीक है, तो तिलक होम रूल मूवमेंट और एक था एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो तिलक का होम रूल मूवमेंट ऐसे ऐसे जगह पे था जहां पे तिलक का मतलब एरिया था, जैसे कि आपका नागपुर का एरिया, जो पूरा महाराष्ट्र का एरिया बोल सकते हैं, डेक्कन का एरिया बोल सकते हैं, वो था। अब हम लोग
क्यों पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में, क्योंकि जो तिलक का होम रूल का जो एरिया था उसमें छत्तीसगढ़ भी आता था, तो तिलक का होम रूल मूवमेंट में छत्तीसगढ़ ऑल्सो इंक्लूडेड। लेकिन इसका सीधा सीधा प्रभाव जैसे 1914 में एकदम स्टार्ट हुआ होम रूल मूवमेंट, तो डायरेक्ट छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव नहीं पड़ा, इसका प्रभाव जब पड़ा वो बहुत लेट से पड़ा, ठीक है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 1918 पे होम रूल मूवमेंट का आगाज हुआ कि हम लोग, और इसी टाइम पे 1918 में खुद बाल गंगाधर तिलक रायपुर आते हैं, ठीक है। और यही 1918 में गोखले भी आएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले भी आएंगे, तो इसमें हम लोग देखते हैं अब। और यहाँ पे 1918 जब तिलक आते हैं रायपुर, और यहाँ पे तिलक का होम रूल मूवमेंट हमारा 1918 में चालू होता है, तो यहाँ पे ब्रांच कांग्रेस की जो एक ब्रांच ऑफ लीग है वो भी स्टैब्लिश होता है, ब्रांच ऑफ लीग स्टैब्लिश्ड, ठीक है। और ये किसके मदद से होता है, घनश्याम दास गुप्त, ठीक है। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का एरिया तिलक के होम रूल लीग में मूवमेंट में आता था, 1918 में खुद बाल गंगाधर तिलक आए थे यहाँ पे रायपुर, और ब्रांच ऑफ लीग स्टैब्लिश हुआ था घनश्याम दास गुप्त के द्वारा, ठीक है। अब इसी टाइम पे पंडित रविशंकर शुक्ला भी एकदम, जैसे पहले हमने पढ़ा जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के टाइम पे, लेकिन उस समय तक वो उतने ज्यादा एक्टिव मेंबरशिप नहीं थे, लेकिन अब इस टाइम पे वो एकदम एक्टिव मेंबर बन चुके हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ला बिकेम मेन ऑर्गेनाइजर, ये पूरा जो ऑर्गेनाइजर थे वो पंडित रविशंकर शुक्ला ही थे। और अब इसमें हम लोग दो चीज देख लेते हैं कि अगर कोई मूवमेंट हमारे छत्तीसगढ़ में चलना शुरू हो रहा है तो वो अलग अलग एरिया में चलेगा, तो कुछ जो लीडर्स होंगे वो रायपुर में चलाएंगे, कुछ लीडर्स हों वो बिलासपुर में चलाएंगे। तो बिलासपुर और रायपुर के लीडर्स को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बिलासपुर और ये है रायपुर, इनके लीडर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो रायपुर में आपको तीन लीडर के बारे में पढ़ना है, देखिए माधव राव सप्रे, पहले मैं बताया था एकदम स्टार्टिंग में वो बिलासपुर एरिया को रिप्रेजेंट करते थे, खुद पेंडर रोड से अपना छत्तीसगढ़ मित्र पब्लिश किए थे, बाद में वो एक्टिव मेंबरशिप उधर रायपुर की तरफ से संभालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है मूलचंद बांगड़ी और एक और आता है लक्ष्मण राव। हालांकि ये पंडित रविशंकर शुक्ला भी थे वहीं पे, तो पंडित रविशंकर शुक्ला भी मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर का आते हैं, तो बिलासपुर में तो ई राघवेंद्र राव तो सबसे पहला नाम रहता है, ठीक है, ई राघवेंद्र राव। दूसरा है गजाधर साव। तीसरा है आपका गोविंद तिवारी। चौथा अंबिका प्रसाद वर्मा। और पांचवा है आपका मुन्नी लाल स्वामी। देखिए लीडर्स आपको याद हल्का फुल्का रखना है कि कौन किस एरिया में संभाल रहे थे, लेकिन क्योंकि आजकल के जो पैटर्न है उसमें जैसे सीजीपीएससी प्री का क्वेश्चन पूछा था कि रत्नाकर झा कहाँ से लीड करते थे, और अलग अलग लीडर्स के बारे में दिन ब दिन क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें वो डीप में जा रहा है, एक एक पॉइंट को याद करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ये पांच लीडर्स को इसमें याद रखिए, ई राघवेंद्र राव फिक्स रहेंगे कि वो बिलासपुर के ही हैं, माधव राव सप्रे को आप रायपुर में ले जाइए, पंडित रविशंकर शुक्ला को रायपुर में ले जाइए, ठीक है, खुद बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर वाले हैं, गजाधर साव गोविंद तिवारी है, मुन्नीलाल स्वामी है बिलासपुर के, और अंबिका प्रसाद वर्मा, और यहाँ पे लक्ष्मण राव और मूलचंद बांगड़ी। तो ये आपके टोटल तिलक और ये तिलक का होम रूल मूवमेंट चालू हो गया, सब चीज हो गया। लेकिन यहाँ पे ये देखिए 1918 का
अब जब 1918 में देख रहे हैं तो 1918 का इंडियन का जो नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था उसको भी देख लेते हैं, फिर बाद में इसको देखेंगे कि होम रूल मूवमेंट कैसे खत्म हुआ। तो 1918 में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो दिल्ली में हुआ था, ठीक है, दिल्ली सेशन बोला जाता है, दिल्ली सेशन। और इसके जो हेड थे वो थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय दिल्ली सेशन के हेड थे। अब इस सेशन में भी छत्तीसगढ़ से कोई रिप्रेजेंट करने गया था, वो दो थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी दो लोग गए थे, एक तो आपके ई राघवेंद्र राव थे, ई राघवेंद्र राव, और एक थे आपके सीएम ठक्कर। ये सीएम ठक्कर कई बार आपने नाम सुन लिया, सबसे पहले 1889 वाला भी सीएम ठक्कर थे, 1891 में भी सीएम ठक्कर कांग्रेस के सेशन में गए थे। जो रायपुर में जो ब्रांच स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, 1906 में, उस समय भी सीएम ठक्कर ही उनके एफर्ट था, और 1918 में भी सीएम ठक्कर ही है, ठीक है, तो सीएम ठक्कर इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, तो देखिए होम रूल मूवमेंट एक्चुअली 1914 से 1918 के करीब चला था, और उसके बाद फिर ये मूवमेंट खत्म हो जाता है पूरे इंडिया में। लेकिन जब ये खत्म होने वाला था तब हमारे छत्तीसगढ़ में ये चालू हुआ था 1918 में, तो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था इस मूवमेंट का। सिर्फ हमको इसमें याद रखना था कि जो रायपुर में ये ब्रांच ऑफ लीग स्टैब्लिश हुआ था, खुद तिलक जी आए थे, कौन कौन मॉडरेट मतलब बिलासपुर रायपुर से लीड कर रहे थे, बस उतना। लेकिन हाँ, होम रूल मूवमेंट का उतना ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में इफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आते हैं हम लोग इसके आगे की कहानी पर। अब 1919 पे आते हैं, 1919 देखिए 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर वन भी चालू था। वर्ल्ड वॉर वन जब चल रहा था, ब्रिटिशर्स बहुत फाइट कर रहे थे, इसी टाइम पे गांधी जी भी फुल एफर्ट लगा रहे थे कि लोगों को मदद करो, उन लोगों को मतलब ब्रिटिशर्स को मदद करो, काफी लोगों को सेना में भर्ती करा रहे थे। तो कई कई लोगों ने ये भी कहा कि ये ब्रिटिश के एजेंट है वगैरह वगैरह, सब इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। अब 1919 तक में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो चुका था, हमारे इंडियन में नेशनलिज्म की भावना भी बहुत ज्यादा जग गई थी, तो इसको सप्रेस करने के लिए, और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट भी चल रहे थे कुछ ना कुछ, तो इसको सप्रेस करने के लिए उन्होंने एक एक्ट लाया, वो है रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट। ये अजीब टाइप का नियम था, ठीक है, जहां पाओ आपको मतलब पुलिस को ऐसा लगा कि आप चार लोग मिलके कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, तुरंत वो जेल में कर देते थे, और कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं, मतलब ना वकील ना अपील ऐसा टाइप का, ना दलील कुछ भी नहीं था। तो ये रॉलेट एक्ट एकदम जो सिटीजन्स है उसके तो खिलाफ ही था। अब ये एक्ट उन्होंने एक्चुअली लाया था सप्रेस करने के लिए, लेकिन इंडिया वाले इस चीज को समझ चुके थे कि ये एक्ट हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये बहुत गलत चीज है, तो इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो इसका प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हुआ, ठीक है, और इसी का जब इसी के समय बाद में जब वो होता है, इसी का जब इफेक्ट होता है एक्चुअली, कि जब अमृतसर में सत्यपाल किचलू करके जो लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है इस एक्ट के तहत, फिर वहां पे लोग जाते हैं, और फिर जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है वो उसी टाइम पे इसी एक्ट का वो एक इफेक्ट था। तो ये उसको हम लोग इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे देखते हैं, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ में ये देखते हैं कि रॉलेट एक्ट का जब पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा था तो छत्तीसगढ़ में भी हो रहा था, और छत्तीसगढ़ में किस टाइप का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो छत्तीसगढ़ में लोग ब्लैक अटायर, ठीक है, ब्लैक अटायर मतलब काला कपड़ा पहन के इस रॉलेट एक्ट का प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, ब्लैक अटायर। और ये कौन कौन कर रहा था, तो अलग अलग सेक्शन है, जैसे बिलासपुर और रायपुर, ये दो सेक्शन बांट लेते हैं, और दोनों के लीडर्स को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन ये रॉलेट एक्ट का प्रोटेस्ट किया था। तो बिलासपुर में हमेशा से पहला नाम ई राघवेंद्र राव का रहेगा, ई राघवेंद्र राव, ठीक। उसके बाद अब यहां पे एकदम एक्टिव मेंबर हो चुके हैं बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर
छेदी लाल और तीसरा शिव दुलारे या यदुनंदन प्रसाद शिव दुलारे यदुनंदन प्रसाद यदुनंदन प्रसाद और रायपुर में आते हैं। रायपुर में तो सबसे पहला नाम पंडित रविशंकर शुक्ला का तो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद अब जैसा बताया था माधवराव सप्रे भी रायपुर तरफ से बहुत एक्टिव मेंबर बन चुके थे, तो माधवराव सप्रे, ठीक है। उसके बाद एक और नाम है महंत लक्ष्मी नारायण दास, महंत लक्ष्मी नारायण दास। तो ये तीन नाम, ये चार नाम आप लोगों को याद रख ले रहे हैं क्योंकि रॉलेट एक्ट का जो प्रोटेस्ट हुआ था छत्तीसगढ़ में वो ब्लैक अटायर पहन के इन लोगों ने अलग अलग जगहों पे किया था। उसके बाद एक मूवमेंट लास्ट हम लोग देख लेते हैं आज का, वो है खिलाफत मूवमेंट। ये भी 1919 में ही हुआ था इसलिए इसको देख लेते हैं। तो रॉलेट रॉलेट हो गया खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं खिलाफत मूवमेंट का हुआ क्या था। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर सब चल रहा था, उसके बाद मतलब पूरा वर्ल्ड वॉर चलने के बाद जब खत्म हुआ तो एक वो हुआ कि जो टर्की का जो खलीफा है, जो ये माना जाता है कि रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिमों का जो रिलीजियस का जो हेड होता है वो खलीफा था। तो फाइनल जब वर्ल्ड वॉर का जब खत्म हुआ तब ये हुआ कि डिसमेंबरमेंट ऑफ खलीफा, ठीक है। खलीफा, खलीफा क्या है? खलीफा एक मुसलमानों का रिलीजियस हेड था। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे हिंदू धर्म में भी कहीं पे जाते हैं तो वो मतलब बहुत बड़ा कोई धार्मिक स्थल होगा, वैसे ही मुसलमानों का भी एक धार्मिक स्थल था, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल था खलीफा। और उसको टुकड़ों में बांटा जाना था, टर्की वाले टुकड़ों में बांट रहे थे, डिसमेंबरमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हमारे जो रिलीजियस हेड हैं उसको बांटे जा रहे हैं, तो वो इस चीज के खिलाफ आए, ठीक है। और जब फिर ये बात उठी कि अगर गलत हो रहा है तो गांधी जी ने भी इस बात को उठाया कि ये चीज मतलब पूरे देश भर में होना चाहिए क्योंकि हम हिंदू मुसलमान सब एक भाई 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 वाला कॉन्सेप्ट था। तो इस तरीके से जब बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलेगा तो उसमें भी उनका जब तीन डिमांड होंगे कि एक तो आपने रॉलेट एक्ट के तहत जो जलियांवाला बाग किया वो गलत किया, उसको सुधारो, मतलब उसमें प्रॉपर जस्टिस दो। दूसरा ये जो खलीफा पे गलत हो रहा है इसको रोको, ठीक है। और तीसरा स्वराज दो हमको। तो ये तीन मूवमेंट जब डिमांड होंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, तो एक तो हम लोग पढ़ लिए रॉलेट वाला, एक खिलाफत मूवमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेजर कॉज मतलब कारण था, रीजन था, वो ये था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और बेसिकली ये अगर देखा जाए तो क्या था कि फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, ये तो आप समझ में आ गया होगा कि इसलिए मुस्लिम्स के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए मूवमेंट चालू किया गया था। पूरे देश भर में ये खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ कैसे लिंकअप है ये देखते हैं, ठीक है। तो 17 मार्च 1920 की बात करते हैं, ठीक है। 17 मार्च 1920 में रायपुर में एक बहुत बड़ा गैदरिंग हुआ, ठीक है। बहुत लोग इकट्ठा हुए, इसको रायपुर गैदरिंग बोलते हैं। और ये रायपुर गैदरिंग इसलिए इकट्ठा हुआ था फॉर द ऑनर ऑफ खलीफा, ठीक है, खलीफा। अच्छा, और ये रायपुर का गैदरिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रायपुर गैदरिंग में पंडित रविशंकर शुक्ला ने एक बात कही थी, वो बहुत अच्छी बात है, वो आज के लिए भी और हमेशा के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। और वो बात मैं लिख भी देता हूं डबल इन्वर्टेड कॉमा में कि वी पीपल
आर नो लॉन्गर हिंदूज और मुस्लिम्स। हम लोग अब हिंदू या मुस्लिम नहीं रह गए हैं, ठीक है, बट हिंदुस्तानीज, ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर हिंदुस्तानीज हो गए हैं, ठीक है, इन ऑल रेस्पेक्ट, ऑल रेस्पेक्ट। ये जो वर्ड है वो इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या बताऊं, एपिक है ये, एपिक पंडित रविशंकर शुक्ला का। और यही इस बात को ये जताता है कि जो खिलाफत मूवमेंट का जो इफेक्ट है वो छत्तीसगढ़ में भी था, उसका इन्फ्लुएंस छत्तीसगढ़ में भी था। तो अगर ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द एविडेंस शोज द इफेक्ट या इन्फ्लुएंस ऑफ खिलाफत मूवमेंट इन छत्तीसगढ़, तो ये रायपुर गैदरिंग का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि रायपुर गैदरिंग हुआ था 17 मार्च 1920 में, और पंडित रविशंकर शुक्ला का जो वर्ड्स है ये इस चीज को बताता है कि खिलाफत मूवमेंट का जो इन्फ्लुएंस था वो छत्तीसगढ़ में भी था। और उन्होंने ये बात कही थी कि हम पीपल अब हिंदू ना हिंदू है ना मुसलमान है, अब हम लोग हिंदुस्तानी हैं हर रिस्पेक्ट में। एक चीज और याद रखिएगा कि इस ये जो रायपुर गैदरिंग वगैरह हुआ था, इस समय एक नेशनल लेवल का लीडर था, वो भी आया था, आए थे और संबोधित किए थे सबको, और उनका नाम था असगर अली। जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो ये नाम बहुत आता होगा, असगर अली का, ठीक है। तो असगर अली हमारे छत्तीसगढ़ आए थे और इन्होंने गैदरिंग को संबोधित किया था, ठीक है। असगर अली आल्सो एड्रेस्ड, ये एक नेशनल लेवल के लीडर थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज इस लेक्चर में हम 1908 से जो सूरत सेशन के बाद से जो टाइम था, और अभी हम 1919 पे आ गए हैं, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो 1920 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखेंगे, उसी के अंदर आएगा कंडेल नहर सत्याग्रह जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर माखनलाल चतुर्वेदी वगैरह और फ्लैग सत्याग्रह देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू सो मच।